हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। इलाकों में अर्की विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उपचुनाव में जीत का दावा ठोक रही हैं। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला सोलन में काफी विकास करवाया है और कोई भी कमी विकास में नहीं आने दी है। जो भी मांगे उनके समक्ष भाजपा नेताओं ने रखी है, उन्होंने उन्हें पूरा किया है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री के सदा आभारी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अर्की में हो रहे विधानसभा चुनावों में हारेगी और भाजपा अपना परचम लहराएगी। हमें मालूम हुआ कि इलेक्शन जो है डिक्लेयर हो गए हैं और तीन विधानसभा के और एक पार्लियामेंट जो हमारी मंडी है वहाँ पे इलेक्शन होना है। तो जिस तरह से हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने पहले भी कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो इलेक्शन होगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विपक्षी दलों को हम कहेंगे कि वो अपनी सीमाओं में रहकर आए और आरोप प्रत्यारोप की बजाय जो है आप क्या करना चाहते हैं, लोगों की क्या भलाई, किस तरह की समाज सेवा करना चाहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दें आरोप लगाने के अलावा।